हेलो फ्रेंड, मैं हूँ विनीता और विनीता रानी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम विंटर स्पेशल पालक का साग बना के तैयार करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्ट होता है, बनाने में बहुत ही आसान होता है। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पालक को अच्छी तरीके से पानी से धो लें, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह रहती है। तो अच्छी तरीके से साफ करके और ऐसे ही रफली काट लेंगे। आधा किलो के बराबर मैंने पालक लिया था। देखिए फ्रेंड, ऐसे ही हम काट लेंगे इसे रफली। उसके बाद फ्रेंड हम हरी मिर्चें डालेंगे। मेरी मिर्च बहुत तीखी है, इसलिए मैंने 3 ही मिर्च डाली है। आप अपने स्वाद अनुसार मिर्ची का उपयोग करें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी मिक्सर जार में डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड 10-12 कलियां लहसुन की भी इसी जार में डाल देंगे और बिना पानी डाले दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा पेस्ट भी दरदरा सा तैयार हो चुका है। तो इसे हम 2-3 चम्मच तेल डालेंगे कढ़ाई में। तेल गर्म हो चुका है, इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल के भून देंगे अच्छे तरीके से। जब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाए तो उसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड ये 3 चम्मच मैंने उड़द की दाल ली है। आप अपने पालक के हिसाब से दाल की क्वांटिटी ले सकते हो। आधा किलो पालक में 3 चम्मच उड़द की दाल अच्छी तरीके से धो के भून लिया है मैंने। जब फ्रेंड सोनी सोनी खुशबू आने लगे दाल से तो अपनी पालक भी छोंक देंगे। और उसके बाद फ्रेंड 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालें, नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि पालक गल के आधी हो जाती है पकने के बाद। तो फ्रेंड नमक थोड़ा सा कम ही डालें। 10 मिनट में फ्रेंड हमारी पालक ने अच्छी तरीके से पानी छोड़ दिया है और पालक भी हमारी अच्छी तरीके से गल गई है। इस मिश्रण को हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड जो पालक का पानी बचेगा उसे आप फेंके नहीं, क्योंकि जब ये मिश्रण ठंडा हो जाएगा तो यही पालक का पानी हम डाल के मिक्सर जार में अपने पालक का पेस्ट बना लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए फ्रेंड, मिश्रण ठंडा हो चुका है, मैंने छोटे जार में डाल के अच्छी तरीके से पीस लेना है इसको। देखिए फ्रेंड, हमारी पालक पीस के तैयार हो गई। कितना बढ़िया कलर आया है और बढ़िया अच्छा सा पेस्ट बन गया है। तो फ्रेंड थोड़ा सा पानी और बच गया था पालक का, उसी में हम अपने पालक के मिश्रण को डाल के अच्छी तरीके से ये साग सूखने तक पका लेंगे। अभी थोड़ा सा गीला है हमारा पालक का ग्रेवी। तो फ्रेंड ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट में हमारा पालक भूनते भूनते पक जाएगा। अगर पानी के छींटे आ रहे हैं पालक में तो आप धीमी आंच पे इसे ढक के पका सकते हो। तो फ्रेंड अब हम तड़का लगाएंगे अपने साग में। इसके लिए मैंने लहसुन, मिर्ची और हींग, लाल मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अपने साग में इस तड़के को अच्छी तरीके से मिला देंगे और अच्छी तरीके से साग को मिक्स कर लेंगे तड़के के साथ। देखिए फ्रेंड, हमारा गर्मा गर्म पालक का साग बन के तैयार हो गया है। पालक हमेशा मिलती है, आप कभी बना खाओ, लेकिन ठंडियों में पालक का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए अगर ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।